राधे राधे मेरी YouTube फैमिली। तो चलिए दिवाली स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट रसगुल्ला, जिसको बंगाली रसगुल्ला भी बोला जाता है, उसी की रेसिपी। बहुत सी बार मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी व्हाइट रसगुल्ला की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। और वैसे तो मैंने व्हाइट रसगुल्ला की 2-3 बार रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है दोनों ही चैनल पर, बट फिर भी आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी हमसे व्हाइट रसगुल्ले बन नहीं पाते हैं, मतलब या तो वो हार्ड हो जाते हैं या फिर वो चाशनी में जाने के बाद फट जाते हैं या फिर वो पहले से अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आपके सारे डाउट आज मैं दूर करूंगी और एकदम बहुत ही बढ़िया जूसी जूसी ये जालीदार रसगुल्ले बनाकर तैयार करूंगी। और हाँ, इसको मैं घर के ही छेने से बना के तैयार कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पनीर लेके आ गई हूँ और ये जो पनीर आप देख रहे हैं इसकी रेसिपी अभी मैंने लास्ट टाइम में आपके साथ शेयर भी की है, तो यानी कि इसको घर पे ही मैंने बना के तैयार किया था। गाय और भैंस दोनों का दूध था जिससे मैंने ये पनीर बनाया था। तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में मैंने पनीर बनाया था, कुछ गेस्ट आ चुके थे, कुछ पनीर से तो मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी। और यहाँ पर ये करीब होगा 500 से 600 ग्राम के जितना पनीर। तो इसको मैंने क्या किया था, एक सूती कॉटन अपना टॉवल ले लिया था, मतलब किचन टॉवल होते हैं जैसे, उसको गीला करके और इस पनीर को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब 2-3 दिन का ये पनीर हो रहा है। फिर उसके बाद काउंटर से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, बर्तन में इसकी इतने अच्छे तरीके से मरम्मत नहीं होगी जितनी एक खुली जगह पे हो जाएगी, मेरा मतलब है। तो किचन काउंटर है, पहले मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया था और इसी पे हम ये बाकी का काम करेंगे। तो अभी मैं इसको जैसे फ्रिज में से लेके आई हूँ, काफ़ी ना ये ठंडा है, मैंने इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ा था, पहले मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ सा लिया था और फिर हमें इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए आप सीधा अपनी घड़ी देख लीजिए और बिना सोचे समझे कम से कम 10 से 12 मिनट आप इसको दीजिए। तो आपको जो हमारी ये हथेली होती है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे कलाई के आगे वाला जो हिस्सा होता है उससे इसको रगड़ा देना है। तो टोटली आपको ये 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके से करते रहना है। तो देखिए पहले कैसा हार्ड हार्ड सा हो रहा था और अभी इस तरीके से इकट्ठा सा हो गया, जैसे मैंने इसके एक लड्डू सा बना के देखा है। चलिए हमारे रसगुल्ले आगे जाके ना फटे और एक आध मिनट इसको फालतू दे देते हैं, यानी इसको इस तरीके से रगड़ देते हैं। तो आप रगड़ाई देखिए मैंने किस तरीके से की है, कंटिन्यू मैंने 12 से 13 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से रगड़ दिया है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर रगड़ देना है, ठीक है ना। बाद में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए ना कि हमारे रसगुल्ले कहीं फट जाए, कहीं हार्ड बन जाए, कहीं कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर मेहनत कर लीजिए। तो इसको मैंने एकदम मखमली टेक्चर का बना के तैयार कर लिया है और इकट्ठा सा कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के सामान ऐड करते हैं। सामान आपके थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ अपनी वही टीस्पून, तो 2 टीस्पून के जितनी मैंने यहाँ पर डाली है अरारोट वाली पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून के जितनी सूजी, हमें यहाँ पर बारीक वाली सूजी लेनी है, अगर मोटी सूजी है तो थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिए। उसके बाद 1/2 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डाल देना है। सूजी मैंने यहाँ पर इस वजह से डाली है, अगर आपके पनीर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो जो सूजी होती है आपके पनीर का मॉइस्चर सोख लेगी, ठीक है ना। और जो हमने अरारोट डाला है उससे हमारे जो रसगुल्ले हैं उसमें बाइंडिंग आएगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको डिवाइड करके थोड़ा सा लंबा सा रोल कर लेंगे और मैं इसके थोड़े बराबर से पीस कट कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे ये रसगुल्ले हैं एकदम इवनली, मतलब सारे की जो शेप है बराबर ही आए। तो इस तरीके से हमें क्रैक फ्री बोल बना के तैयार करनी है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये डो बन के तैयार हुआ है वो कैसा हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो चलिए पहले हम चाशनी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर ना कम चाशनी बना रही हूँ, सारी एक साथ नहीं बनाऊंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 कप के जितनी यानी 1/2 किलो के जितनी चीनी डाल दी है और इसमें हम यहाँ पर लगभग में इतना ही पानी डाल देंगे। 2 कप चीनी डाली है, 2 ही कप यहाँ पर पानी हम डाल देते हैं। तो जैसे मैंने चाशनी को रखा, यहाँ पर सिलेंडर खत्म हो चुका था, अच्छा हुआ एडवांस में हम सिलेंडर रखते हैं अपना। अच्छा एक बात और बताइए, आप मेरे घर में नॉर्मली 6-7 लोगों का खाना डेली बनता है, रेसिपी बनती है, तो मेरा सिलेंडर चलता है कम से कम
2 महीने के करीब चल जाता है, 1.5-2 महीने आपका सिलेंडर कितना चलता है, वही 14-15 किलो का सिलेंडर आता है ना नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए जो चीनी है ना वो अच्छे से घुल चुकी है, मतलब घुलनी शुरू हो चुकी है। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसका इंतजार करना है कि यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल जाए और उसमें बहुत तेजी से उबाला सा आने लगे। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ढक्कन रखा है ताकि मुझे अंदर का सब कुछ दिखता रहे। तो यहाँ पर देखिए चीनी बहुत अच्छे से घुल चुकी है और इसमें एक उबाला सा आ रहा है। शुरू में हम 1 या 2 रसगुल्ले डाल के देखते हैं सैंपल के लिए, अगर ये हमारे रसगुल्ले परफेक्ट जा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं जा रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करनी होती है, सारा का सारा बैच एक दम ने डालेंगे। एक साइड में मैं दूसरी चाशनी बना के रखती हूँ। जब भी मैं व्हाइट रसगुल्ले बनाती हूँ तो मैं सारी चाशनी एक साथ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो व्हाइट रसगुल्ले होते हैं इसका पकने का प्रोसेस देर तक चलता है, जिसकी वजह से जो हमारी चाशनी है ना वो लाल हो जाती है। तो मैं दूसरी चाशनी बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको रसगुल्ले दिखा दिए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, साइज भी मैंने आपको दिखा दिया है जब ये कच्चा था साइज क्या था और पकने के बाद क्या हो जाएगा। तो चलिए अब बेफिक्र होके क्या करते हैं, जो मैंने बाकी की चाशनी बनाई थी वो यहाँ पर डाल देते हैं। चाशनी ज़्यादा रहेगी तो उबाल भी तेजी से आएगा, और रसगुल्ले बनाते वक्त उबाल का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एक एक करके हम रसगुल्ले को डाल देंगे। जब हम रसगुल्ले को डालेंगे ना, आपको ये ध्यान रखना है कि उबाला नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि उठा के एकदम से प्लेट में से सारे रसगुल्ले डाल दिए। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ ये आपको कितनी देर के लिए पकाना है। इनको हम कर देते हैं कवर, कंटिन्यू इसमें झाग बनते रहना चाहिए, झाग बनेगी तो रसगुल्ले अच्छे से पक जाते हैं। अब मैं आपको टाइम बता रही हूँ, अगर आप थोड़े मीडियम से साइज के रसगुल्ले बना रहे हैं 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम हाई करके छोड़ दीजिए और इसमें लगातार झाग बनते रहने चाहिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें झाग बनते रहने चाहिए। तो 10 से 11 मिनट हो चुकी है और जो ये रसगुल्ले है ना बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। एक बैच मैंने बीच में निकाल भी लिया था, मतलब थोड़े रसगुल्ले डाले थे जो मैंने बैच निकाल लिया था। अच्छा यहाँ पर देखिए रसगुल्लों का आप कलर देखिए, जिस टाइम पे मैंने रसगुल्ले डाले थे साइज में बहुत ज़्यादा छोटे थे और कलर में एकदम वाइट थे, और यहाँ पर देखिए जो रसगुल्ला है एकदम से फूल चुका है और बढ़िया से पक रहा है। चाशनी में लगभग 70-80% डूब रहा है और हल्का सा ही जो हिस्सा है वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका जो कलर है ना चाशनी के जैसा आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है जो आपके रसगुल्ले है ना वो बिल्कुल परफेक्ट फूल के बन के पक के तैयार हो चुके हैं। मेरे यहाँ पर 10 से 11 मिनट लगे, आपके 10 से 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट तक भी रख सकती है, डिपेंड करेगा कि आप के जो रसगुल्ले का साइज है वो क्या है। तो यहाँ पर कुछ साइज मुझसे छोटे हो ही जाते हैं, मैं चाहे कितना कोशिश कर लूँ ये मेरे लिए साइज बनाने के, बट नहीं हो पाता है, कोई मोटा कोई बारीक बन ही जाता है। तो ये देखिए बन रहे हैं ना रसगुल्ले बिल्कुल बढ़िया। अब आप बोलोगे दीदी इनका कलर तो वाइट आया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका भी नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। हल्का सा पीला आता है, हल्का सा गुलाबीपन आता है इन रसगुल्लों में, पता है वो क्यों आता है? जब हलवाई लोग रसगुल्ले बनाते हैं तो वो उसमें हाइड्रा एक केमिकल होता है जो कि चीज़ों को वाइट करने का काम करता है। नॉर्मली हलवाई जब भी कोई वाइट बर्फी या मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसमें हाइड्रा नाम के एक केमिकल का यूज करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो चाशनी में वो डाला जाता है जिसकी वजह से हमारा जो ये रसगुल्ला है ये वाइट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कोई केमिकल नहीं डाला है, ना ही मैंने चाशनी को निखारा था, ऐसे ही डाल के बना लिया था। तो देखा आपने यहाँ पर मैंने जैसे कि मतलब उसमें मैंने रसगुल्ले डाल दिए हैं, चाशनी में रसगुल्ले डूबे रहने चाहिए। आगे का जब हम बैच डालेंगे तो जो हमारी चाशनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए आपको चाशनी को पतला कर देना है और उसमें अच्छा उबाला लगा देना है और उसके बाद आपको रसगुल्ले डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा तीसरा बैच भी बन के तैयार हो चुका है। कलर देखिए आप रसगुल्लों का, और मुझे तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम व्हाइट कलर तो अच्छा लगता भी नहीं है। और बाकी आप अगर व्हाइट बनाना चाहते हो तो आप चाशनी में 1.5 चम्मच के जितना हाइड्रा पाउडर लगा सकते हैं, जो कि मार्केट से आता है 50-60 रुपए की आपको डब्बी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप अपने घर के लिए ये रसगुल्ले बना रहे हो तो आप बिल्कुल भी हाइड्रा का यूज मत करें। मैंने हलवाई से ही पूछा था जो कि मेरे मामा जी है, तो उन्होंने बोला था बेटा घर के लिए तुम रसगुल्ले बना रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, हल्के रसगुल्ले आपके सांवले बनेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिना हाइड्रा के बनाओ। तो बस मुझे समझ आ गया और मैंने कोई भी हाइड्रा पाउडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। इसको छोड़ देते हैं कम से कम 5-7 घंटे के लिए। तो मैंने तो ये शाम में बनाए थे और अब मैं यहाँ पर सुबह में इनको देख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे रसगुल्ले अच्छे से बने हुए होंगे तो ये ठंडे होने के बाद क्या होगा, तली छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली, मतलब तैरने लगेंगे चाशनी में,
चाशनी आपको पूरी रखनी है अपने रसगुल्ले में, कम नहीं रखनी है बिल्कुल भी। तो चलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से ये रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जितना मैं इसको निचोड़ रही हूँ और इसके अंदर इतना जूस है कि वो अच्छे से निचड़ रहा है, पूरा जूस नहीं निचड़ेगा, असली रसगुल्ला होगा। और जैसे हम उसको निचोड़ देंगे, दबा देंगे, वो वापस से अपनी शेप ले लेगा। तो रसगुल्ले को सही तरीके से दिखाने के लिए मैंने ये बाउल बाहर रखी हुई थी अपनी जो बालकनी होती है, मैं सोच रही थी आपको ना अच्छे से दिख जाएगा। अंदर लाइट का बहुत इशू होता है, कितनी बार व्हाइट चीजें ना मतलब रिफ्लेक्शन सा लगता रहता है और वो ना दिखाई नहीं देती है। तो देखिए हो रहा है ना, कोई से भी रसगुल्ला उठा के देख लोगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको जूसी जूसी दिखाई देगा। और तोड़ के भी आपको दिखाना जरूरी है, चलिए तोड़ के भी आपको मैं दिखाती हूँ। वापस से अपने काउंटर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए, देखिए है नहीं। तो आप अगर इस मेथड से रसगुल्ले बनाओगे ना, तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको रसगुल्ले बनाने हैं या खाने के आप शौकीन हो मेरी तरह, मेरे तो ये फेवरेट है व्हाइट वाले रसगुल्ले, तो आप बाजार से ना ला के घर पे ही बनाइए। हो सकता है टेस्ट में कुछ कम बने, हो सकता है एक दो बार आपसे अच्छे से ना बने, प्रैक्टिस करोगे ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे। मुझे ही कहाँ बनाने आते थे, ये मेरे फेवरेट है तो मैंने इनको हलवाई से बनाना सीखा था, यानी मामा जी से। देखिए हर बारी जितना भी मैं इसको दबा रही हूँ, इसमें से ऑटोमेटिक जूस भी निकलता ही जा रहा है। और ये मैंने आपको तोड़ के दिखाया तो अंदर से भी इसमें बहुत ही अच्छे से जूस भरा हुआ था, देखिए है नी। तो अब इंतजार नहीं हो रहा है, फटाफट से जरा भोग के लिए पहुंचा देते हैं और फटाफट से ये जो है रसगुल्ले खा लेते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखिए जैसे जैसे ये ठंडे होते चले जाएंगे। और आपकी अगर चाशनी परफेक्ट है, एक हाँ मुझे याद आए एक चीज और बता देती हूँ, कितनी बार आपके रसगुल्ले हार्ड हो जाते हैं, बन तो सही जाते हैं, चाशनी में से निकाल दिए, बना लिए, सब कुछ कर लिया, खाने के लिए बैठते हो 2-4 घंटे के बाद तो हार्ड से हो जाते हैं। पता है वो क्यों होते हैं? आपने यहाँ पर जो ये चाशनी डाली हुई है इसमें तार बना हुआ है, इसी वजह से हार्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चाशनी को ना पतला सा रखना है और आपके रसगुल्ले बढ़िया ही बन के तैयार होंगे।